हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम अर्षद गोपाल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फ्री में वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, वो भी फ्री होस्टिंग प्लस फ्री डोमेन के साथ। सो जो डोमेन है वो .com .net ये सब नहीं रहेगा, क्योंकि ये सब पेड डोमेन है। मैं आपको .tk के साथ या फिर .ga के साथ एक वेबसाइट बना के बताऊँगा कम्प्लीटली फ्री। तो ओके, सो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, एक भी स्टेप को स्किप मत कीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। सबसे पहले आपको फ्री नोम डोमेन में जाना पड़ेगा। सबसे पहले फ्री नोम डोमेन करके गूगल में सर्च करिए। सर्च करने के बाद आपके में फ्री नोम का आ जाएगा ऑप्शन, इसे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, तो आपको सबसे पहले इसमें जाना है। ओके, सो अगर आपको इसका वेबसाइट नहीं है तो पहले आप साइन इन कीजिए। साइन इन करने के बाद आप इसमें एक वेबसाइट अपना बना लेंगे। सिंपल अपना अपनी ईमेल के साथ साइन इन कीजिए, क्योंकि मैंने अपना पहले से बना चुका है इसलिए मैं ईमेल के साथ साइन अप कर रहा हूँ। तो साइन अप करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे कि आप देख रहे हैं हेलो आशीर्वाद लिखाया। तो अब आपको इसके बाद वापस सर्विसेज में जाना है। उसके बाद रजिस्टर अ न्यू डोमेन पे क्लिक करना है। ओके, उसके बाद फाइंड अ न्यू डोमेन में आने के बाद आपको यहाँ पे कोई सा भी अपने जो वेबसाइट है उसका नाम लिख के इसका अवेलेबिलिटी चेक करना है कि डोमेन कौन कौन से उसमें अवेलेबल है। तो मैं टेक्नोफ्रीड इंडिया लिख के डेमो के लिए चेक अवेलेबिलिटी करता हूँ। तो आप देख सकते हैं अवेलेबल है .tk.ml.ga। मैं .ga को सिलेक्ट करता हूँ चेकिंग पे क्लिक करके। उसके बाद देख सकते हैं ये सिलेक्टेड हो चुका है, आपको फिर यहाँ से चेकआउट कर देना। ओके, सो मैं चेकआउट कर दिया। अब आप इस पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद आपको वापस यहाँ पर पीरियड में जाके सिलेक्ट करना है 12 मंथ, या कोई 12 मंथ तक फ्री मिलेगा, फिर कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। ओके, सो इसमें अब आपको डिटेल पूछेगा, तो आप इसमें अपना सारा इन्फॉर्मेशन भर दीजिए और उसके बाद आई हैव एग्री विद द टर्म में कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कीजिए। ओके, सब आप देख सकते हैं ऑर्डर कंफर्मेशन हो चुका है। अब आपको होस्टिंग की ज़रूरत है, तो होस्टिंग के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना है, profreehost.com। सो इसमें आप आने के बाद इसका कुछ इंटरफेरेंस ऐसा है, देख सकते हैं $0 फॉर लाइफ, अनलिमिटेड डिस्क स्पेस, 100% फ्री, अनलिमिटेड बैंडविड्थ। तो रजिस्टर नाउ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना ईमेल और पासवर्ड देके रजिस्टर करना है। ओके, सो मैं ईमेल जल्दी से फिल कर देता हूँ। ओके, सो अब राइट द बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। फिर आपको इसमें एक्टिवेशन मेल आएगा, उसको क्लिक करके आप एक्टिवेट कर सकते हैं अपने इस अकाउंट को प्री होस्ट। सबसे पहले अपना जो एड ब्लॉकर है वो सबको डिसेबल कर दीजिए। मैं प्रो फ्री होस्ट में जाके इसका एक्टिवेट कर लेता हूँ। सो ये एक्टिवेट हो गया। अब ये एक्टिवेट होने के बाद अब आपको सिंपल क्रिएट अ न्यू अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको क्रिएट अ वेबसाइट करना है। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ से जो अपने डोमेन परचेस किया उसमें आ जाइए। माई डोमेन्स में आने के बाद ये रहा techfreakindia.ga, उसे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये डोमेन नेम को कॉपी कर लीजिए। फिर यहाँ पे एंटर एट्रैक्टिव नेम फॉर योर वेबसाइट पे क्लिक करके वहाँ पे पेस्ट करिए वर्ड को। सो उसके बाद से फ्री डोमेन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर इसे राइट पे क्लिक कीजिए। ओके, सो अब ये सेव हो चुका है। सेव होने के बाद मैनेज पे क्लिक कीजिए।
मैनेज क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा कंट्रोल पैनल करके ऑप्शन आ जाएगा, उसे क्लिक कीजिए। उसके बाद नीचे करिए डॉट एट लॉसेस पार्क डोमेन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे अपना डोमेन नेम दीजिए के ये रहा डोमेन नेम। अब यहाँ से जो नीचे का डोमेन जो रजिस्टर विद वैलिड रजिस्टर बिफोर लिखा है वो सबको क्लिक कीजिए, वो सबको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद मैनेज डोमेन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद मैनेजमेंट टूल्स फिर नेम सर्वर्स यूज कस्टम नेम सर्वर्स एंटर विदो। तो जो कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट कीजिए सब में। पेस्ट हो गया। उसके बाद ये जो N1 का N1 मैंने जिसके बाद N2 N3 N4 करके सेव कर दीजिए। चेंज सर्वर्स पर क्लिक कीजिए। अभी हो चुका है नेम सर्वर रजिस्टर। उसके बाद अब वापस प्री होस्ट वेबसाइट पे जाइए। उसके बाद फिर ऐड पार्क डोमेन को भी क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ओके सो गो बैक ऑप्शन आ गया, गो बैक को क्लिक कीजिए। उसके बाद आप डायरेक्टली एक पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। वो मेरे में पेज पहले से खुला है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो कंट्रोल पैनल में क्लिक कीजिए अगर आप रीडायरेक्ट ना हुए हो तो। उसके बाद क्योंकि इसमें लिखा है 5 सेकंड में आप उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ओके सो ये देखिए पेज में आ गए। अब वापस नीचे करिए। नीचे करने के बाद आपको इस सॉफ्टक्यूलस ऐप इंस्टॉलर पे क्लिक करना है। ओके इसे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कितना सारा ऑप्शन आ गया। उसमें से आपको वर्डप्रेस पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद आपको सब सेम रखना है। बस डायरेक्टरी को पूरा इरेज कर दीजिए, WP को हटा दीजिए। उसके बाद फिर साइट नेम में अपना नाम दे दीजिए साइट का। और ये चूज डोमेन को technofreak.ga कर दीजिए। बाकी सबको सेम रहने दीजिए। चाहे तो यूज़र नेम और पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। ओके सो नीचे जाके इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। मैंने सेव वाला थीम सिलेक्ट कर लिया। अब इसे मैं इंस्टॉल क्लिक करता हूँ। तो सो अभी देख रहे हैं चेकिंग द सबमिटेड डाटा 6% लिखा है, मतलब अभी इंस्टॉल हो रहा है। अभी हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन द सॉफ्टवेयर वॉज इंस्टॉल्ड। तो इसे ऑन करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा ये थे। और इसका एडमिन पैनल मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। एडमिन पैनल खोलने के लिए वापस ये एडमिनिस्ट्रेटिव URL पे क्लिक कीजिए। इसका एडमिन URL उसके बाद यहाँ से आप चाहे कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसे SEO करके, अपना रैंक करके, इसे एडसेंस अटैच करके पैसा अर्न भी कर सकते हैं। ये तो बस एक फ्री ट्यूटोरियल। तो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।